तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के ओपिनियन पोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, और दिल्ली में अब चुनाव का रुख बदल चुका है। अब यहां पर चुनाव मोदी के नाम और केजरीवाल के काम पर यहां पर होने जा रहा है। तो क्या कहता है दिल्ली का ओपिनियन पोल, कई बड़े यहां पर न्यूज चैनल का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे, और मोदी सरकार या अरविंद केजरीवाल, और यहां पर कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आ सकती हैं, इसके लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, और किस प्रकार की यहां पर योजनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए और मोदी सरकार दिल्ली के लिए कौन पसंद है दिल्ली के लोगों के लिए। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए आंकड़े निकल कर जो आ रहे हैं वो यहाँ पर देखें तो मोदी से बेहतर अरविंद केजरीवाल 42% लोगों का मानना है केवल दिल्ली के लिए। लेकिन केंद्र में जाते हैं तो ये आंकड़ा बदल जाता है, केंद्र में मोदी सरकार को अब भी लोग 70% यहाँ पर पसंद कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार केंद्र में बन जाएगी अगर आप चुनाव होते हैं। एबीपी न्यूज का यहाँ पर हाल ही में सर्वे आया जिसमें मोदी सरकार एक बार फिर से सरकार बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दिल्ली के लिए जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी यहाँ पर गारंटी कार्ड योजना रखी है जिसमें 10 गारंटी योजना शामिल की गई है, और इन योजनाओं से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली की जनता का साफ तौर पर कहना है और दिल्ली के कई बड़े यहाँ पर एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि दिल्ली के विकास के नाम पर इस बार केजरीवाल भारी है। तो वहीं मनोज तिवारी केंद्र के कामों को लेकर यहाँ पर मैदान में उतर चुके हैं, और मोदी के नाम और केंद्र की जो योजना है उनके आधार पर क्या कुछ बदलने वाला है। इससे पहले आपको कुछ यहाँ पर मुद्दे दिखाते हैं किन मुद्दों पर चुनाव यहाँ पर लड़ सकते आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त एक बड़ा यहाँ पर कदम है, हर घर तक नल का पानी पहुँचाना दिल्ली के लिए, इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। और देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था देना, और इसके अलावा लोगों को सस्ता सुलभ और बेहतरीन इलाज, और यहाँ पर सबसे बड़ी और सस्ती यातायात व्यवस्था जिसमें महिलाओं के लिए जो यहाँ पर बसें हैं वो फ्री हैं, और स्टूडेंट के लिए भी आप बस फ्री करने का ऐलान यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा यहाँ पर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, स्वच्छ और चमकती दिल्ली की गारंटी, और इसके अलावा कच्ची कॉलोनियों को बुनियादी सुविधाएं देना, और जहां कच्ची कॉलोनी है वहीं उनको पक्का करने का वादा यहां पर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर सकती है, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरुद्ध में कई यहां पर कह सकते हैं कि जामिया में कई यहां पर समय से एक बड़ा यहां पर आंदोलन किया जा रहा है, और इसके बाद क्या दिल्ली में बीजेपी यहां पर पलटवार कर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये मुद्दा बन सकता है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद धारा 370 की समाप्ति, इसको भी लेकर उतर सकती है। इसके अलावा यहां पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कहीं ना कहीं बीजेपी अपने को क्रेडिट समझ रही है इसको, और राष्ट्रवाद की अलग जलाए रखना ये यहाँ पर मुद्दे हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर चुनावी मैदान में उतर सकती है, और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान योजना का यहाँ पर जिस प्रकार से केजरीवाल ने विरोध किया है, केजरीवाल का साफ तौर कहना है कि आयुष्मान योजना उन लोगों के लिए लागू है जिनके पास यहाँ पर कह सकते हैं 2-व्हीलर नहीं है, या जो उनकी जो आयुष्मान योजना उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पर इलाज की सुविधा है वो सभी के लिए यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा बीजेपी अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक जो दिया है कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकती है, और इसका कितना फायदा हो सकता है इसके लिए कुछ और आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2017 में जो यहां पर MCD चुनाव किए गए थे तरफा बीजेपी लहर चली, और लोकसभा में भी बीजेपी की लहर चली, क्या 2020 में मोदी लहर चल पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन दिल्ली की 70 सीटों पर 8 फरवरी को जो वोटिंग होनी है उसके लिए क्या आंकड़े हैं, 53% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से जा रहा है, और जिस प्रकार से 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी 54% वोट शेयर के साथ 1% का गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं है कि सरकार में वापसी ना कर सके। बीजेपी 26% वोट शेयर इनका आ रहा है, और कांग्रेस को 5% और अन्य के खाते में 16% वोट शेयर जा रहा है इन 70 सीटों के लिए, और जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं दिल्ली के लिए। कुछ और आंकड़े आपको, क्या केजरीवाल का बदलना माना जा रहा है कि जनता के थ्रू उनका सर्वे किया गया है, क्या केजरीवाल बदलना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो हाँ कहने वाले 27%, नहीं कहने वाले 71%, मतलब 71% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फिर से सरकार बनाएंगे, कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग हैं। और क्या और भी जो आंकड़े वो भी आपको दिखा देंगे, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पिछले 5 सालों में जो काम किया है कितना अच्छा काम किया है,
78% लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल का जो काम है वो अच्छा है। सिर्फ 19% लोगों का मानना है कि ये जो काम उन्होंने किए हैं वो सही नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं क्रेडिट जो यहाँ पर अवैध कॉलोनियों को मालिकाना हक दिया है, कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। और मनोज तिवारी जो बड़े कैंडिडेट माने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 54% लोगों का मानना है कि मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री दिया ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कांग्रेस ने। तो ये बड़ा यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि यहीं से लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है भारी है। अब आंकड़े क्या कहते हैं, कई बड़े एक्सपर्ट लोगों का मानना है। सत्ता बाजार के आंकड़े आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी को 4749 सीटें आ सकती हैं, हालांकि 2015 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान भी नहीं है कि सरकार में वापसी न कर सके। सरकार बनाती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस खाता खोल रही है 4 से 5 सीट, बीजेपी 18 से 20 सीट हासिल कर सकती है। लेकिन पत्रकारों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, दिल्ली के लिए 45 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा रही हैं, बीजेपी को 20 सीटें, तो कांग्रेस के हिस्से में 5 सीट यहां पर जा सकती हैं। लेकिन एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल क्या कहता है, आम आदमी पार्टी 59 सीटें यहां पर ला रही है, तो बीजेपी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट रही है और कांग्रेस के हिस्से में 3 सीट यहां पर आ रही है। तो 3 बड़े ओपिनियन पोल आपके सामने रखे हैं। इन तीनों ही ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, एक तरफा सरकार बनाती नजर आ रही है और ये बड़ी जीत मानी जा रही है अरविंद केजरीवाल के लिए। और आपको क्या लगता है, दिल्ली में आपकी बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को जा सकती हैं? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।